उस गांव में कथा हो रही आज के लगभग 10-11 बरस हो गए, तो मैं वहां कथा कह रहा, तो कथा बैठी थी तो बीच में था एक खरंजा, जब वो चबूतरा था फिर आगे उधर बड़ा चबूतरा था, बीच में था रास्ता, रास्ते में लिलोरी वगैरह भैंसन की बनी थी चारा खाने की, तो अकेला ही लड़का था उनका, सो फौज में नौकरी लग गई, उसने कथा बोल दी, नौकरी लग जा, सारे अक्सर बोल देते लड़का के नौकरी लग जाए तो कथा करें, तो वो कथा कराई गई साहब, हम ही शास्त्री गए, सो कथा कहें, सो बेचारे फौजी को छुट्टी ना मिल पाई, भाई सरकारी नौकरी है, कथा छटवाए ले गए वे और सारी व्यवस्था उनने पेपर वेपर टेंट साउंड कर गए, फिर चले गए उनके भाई टाइम पे आ जाए तो एक दिन पहले, तो कोई वहां कार्ड बन गया तो वो आए नहीं पाए, कथा तो बैठ गई, व्यवस्था तो सब जुड़ी हती, सुने के पिताजी पूरी अपनी माल की करें व्यवस्था, देखें परीक्षित बने, और रोज होते कहे देखो शास्त्री ठट्टू रुपए दो नाला भाई ना आओ, तो हमने कोई समस्या रही होगी इसलिए नहीं आ रहे, तो साहब वो छठवें दिन की कथा चल रही, गोवर्धन की पूजा 2:30 बजे का टाइम रहे, और वो कोसमा स्टेशन से उतरा, वहां ने किसी को फोन नहीं किया, बक्सा रखा चांद पे, दो बक्से एक के ऊपर एक, और बड़े बड़े पिट्ठू डाले पीठ में, और टीका टीक दोपहर में जवान झमझमा चलो आओ, और वह गली में आए के द्वार के गेट के जैसे सामने पंडाल हती ऐसे घूम के घर में जाए, सो वो ऐसे आओ, सो परीक्षा जी एकदम उठ बैठे, अब आओ कह रहे नालायक अब आओ, जो ठट तू रुपवाए दो, अब बकसा धरे, अब बोला बोला मेरा बहुत मूड खराब है, अभी आप मुझसे बाद में बात करने का, मैं बोला बहुत मूड खराब है, मूड खराब मत करो नालायक, ठट्टू रुपवाए दो, अब तो जो है पता, अब कल बता परसों भंडार हो, सुबह ने बकसा उतार के धद्दो, और यही खड़ो है वो, देखो पिताजी मैंने बोला मेरा मूड खराब है, अभी आप मुझसे बात मत करिए, मैं बाद में बात, यानी कि बोला बोला तू हम तो ही कर रहा हो, हमें ही नौकरी दिखा रहा हो, तो फौजी को आई गई गुस्सा हल्के शरीर कहते पिताजी, तो अनेक हाथ डारो ऐसो ऊपर पकड़ के ऐसो उठाए के, अब लड़ोरी हती नाम है ताई भाई, भाई लेड़ा रहने में लगे तो हिंते थे पाए उनकी की कोट होए गई, अब हम डरे चिल्ला, ओ भीड़म भप्पर कर, हम रुको रुको रुको, सो सब शांत, अब भी डरे कर, हम ना बोले चुप, हम तो सारा करो तो भाई कथा कहो, सो हम तो अपने एकदम ही, हमने की अब जब बाप को पटक दे सकते तो हम ना बोले चुपचाप भाई कथा कहें, और एक दिन और रह गया था कथा कह के, हमने ना मांगे पैसा ना भाई, अपने लड़कन से कहीं बैठो लला सामान धरो, और वहां से चले आए, जब हम घर आ गए तब उसका फोन आ, बोले शास्त्री चले गए आप पैसे नहीं ले गए, हमने क्या फौजी भाई, अब मैं पैसे मांगता तो तुमने अपने बाप की तो बांह टूट दी और हमारी टांग तोड़ देते तो हम तो मर गए, तो इसलिए हमने पैसे नहीं मांगे, अरे नहीं शास्त्री वो बुढ़े ने मूड खराब कर दिया था, ये है और वो है फलाना, आप आज हमने की हम ना लेना आएंगे दे जाओ, है तब देने तो आए खैर दे गए अच्छे आदमी थे, लेकिन मूड खराब हो गया, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि पुत्र जब बराबर का हो जाए तो बाप गिरी ज्यादा मत जनाओ, फिर मित्रता करो उससे, दोस्ती दोस्ती के नाते से उससे संबंध पूछो कि ये करोगे तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, हुक्म मत चलाओ, उसकी भी परामर्श लो, माताओं ये बाप को चुनना दे गया और सीधा रुक्मिणी के पास गया, रुक्मिणी बेचारी रो रही थी,